मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश से नर्मदा सहित अन्य नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। फिलहाल नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट 35 मीटर ऊंचाई तक खोलकर 10,050 क्यूमिक पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि अब वर्तमान में एक्टिव सभी मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ चुके हैं, जिससे कुछ दिनों के लिए राहत की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में ग्वालियर चंबल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना अब भी बनी हुई है। वहीं इंदौर, उज्जैन, धार सहित निमाड़ मालवा के 9 जिलों में धूप देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और निवाड़ी शामिल हैं। साथ ही इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़ और आगर मालवा में तेज धूप की संभावना जताई गई है। 15 सितंबर से बांग्लादेश में एक नया मौसम सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति पैदा करेगा। 16 सितंबर से ये सिस्टम और प्रभावी होकर अति भारी बारिश ला सकता है। 14 सितंबर को किसी प्रकार की विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसा था मौसम वैज्ञानिक। वर्तमान में जो सिस्टम अभी नॉर्थ वेस्टर्न वेल पार्क लोग था, वो अभी शिफ्ट होकर साउथ वेस्ट यूपी के ऊपर डिप्रेशन के रूप में कार्यरत है, जिसके वजह से प्रदेश में नॉर्थ हिस्से में बारिश की अच्छी स्थिति बनी हुई है। उस हिसाब से ये थोड़ा सा कमजोर पड़ती नहीं रहेगा। उसके बाद अगले खाली ग्वालियर चंबल में हैवी रेनफॉल के अलर्ट जारी किए गए हैं, उसके हिसाब से उसके बाद फिर वर्षा की स्थिति में कमी आएगी। लेकिन अभी वर्तमान में एक लो प्रेशर एरिया और अभी बांग्लादेश में फॉर्म हो रहा है, जो अगले 15 तारीख से पूर्वी मध्य प्रदेश में फिर से हैवी रेनफॉल की स्थिति लाएगा और प्रदेश में रेनफॉल होने के चांसेस बने हुए। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 35.58 सेंटीमीटर बारिश राजगढ़ के बियारा में दर्ज की गई, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 22.5 सेंटीमीटर, भिंड के गोहद में 22.1 सेंटीमीटर और शिवपुरी के करेरा में 21.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस सिंगरौली के देवरा में और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम के पचमढ़ी में दर्ज किया गया।